ये कुछ स्पेशल बैंक के लिए प्रश्न लेकर आया है, महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें से देखिए, प्रश्न फर्स्ट है, ये बैंक पीओ, ये प्रश्न फर्स्ट है, बैंक पीओ 2006 में पूछा गया था। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। ये 21 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए कितना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन बस इसको देख के डरना नहीं है, इसको कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो क्या करना है उसको सारा, आप सबसे पहले उसका जो है बेस को सेम करने की कोशिश करिए, पावर को देखना नहीं। देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 का पावर ये 3.5 कर दिए। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 सती 21 लिख सकते हैं। देखिए 3 सती का 21 ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 का पावर, ये जो 2 है ना, ये पावर 3 को भी मिलेगा, 7 को मिलेगा, मतलब 3 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर पावर 3 का कितना हो गया, पावर स्क्वायर है, इसको यहाँ लिख सकते हैं आप। यहाँ पर लिख देते हैं डिटेल से, 3 का स्क्वायर ये 7 का स्क्वायर। ठीक है, 42 है, देखिए यहाँ पर 42 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 6 7 42, सारा पर पावर ये 2.5 जाएगा, सबको मिलेगा। यहाँ पर भी 2.5 पावर आएगा, यहाँ पर भी 2.5 आएगा, यहाँ पर भी पावर कितना आएगा, 2.5 आएगा। सारा को पावर दे दिए, फिर यहाँ पर भागा है, भागा को गुणन चेंज करेंगे, तो आप लोग को पता है कि ये वाला जो संख्या है कहाँ चला आएगा, नीचे चला जाएगा। तो 1/2 में यहाँ पर हो जाएगा 2, और 2 का यहाँ पर देखिए 2 है, 2 यहाँ पर ये भागा नहीं होगा, यहाँ पे ये दशमलव होगा, ये मिसप्रिंट लिखा गया यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये 2.5 हो गया, यहाँ पर 2 का पावर 2.5 हो गया। फिर इंटू देखिए यहाँ पर 7 है, 7 का पावर कितना है, ये 7 का पावर 3.5 है। 21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 3 × 7, 3 सती 21, इसका भी पावर, यहाँ देखिए जो क्वेश्चन मार्क था इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, जो क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो एक्स इस पर भी आएगा, एक्स एक्स इस पर भी आएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा। ठीक है, और तोड़ करके क्या किए हैं, देखिए सबको पावर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 3 है 3 है, 7 है 7 है, और यहाँ पर 3 है, ये तो कट जाएगा, 2 का पावर 2.5, ये 2 का पावर 2.5 चला गया। अब देखिए 3 का पावर कितना कितना है, ये कितना है देखिए, 3.5, यहाँ 3 का पावर कितना है, 2, फिर यहाँ 3 का पावर कहीं है, यहाँ पर 2.5, 2.5 और 3.5 जोड़ेंगे तो 3 × 2 = 5, और 1 जो यहाँ आएगा 6 आएगा, 6 और 2 कितना हो गया, 8 आ गया पूरा जोड़ने पर। फिर देखिए 3 के बाद कितना, 7 का काम करेंगे, 7 का पावर यहाँ कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, ये 2.5 है, और यहाँ पर देखिए 3.5 है। तो पहले 3.5 रुपया और 2.5 रुपया जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 5, और 1 = 6 हो जाएगा, 6 यहाँ और 2 यहाँ, मतलब 8 हो गया। अब कहानी खेल ख़त्म हो गया इसका, देखिए ये सिंपल 3 3 मिल गया, यहाँ पर भी एक्स एक्स ये 7 7 मिल गया, तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। देखिए इसको बोला जाता है, ये जो बेस है यहाँ, इसका भी बेस इसका भी क्या है, समान हो गया, तो ये ऊपर वाला लिख सकते हैं, इसको आगे बढ़ा भी लिख सकते हैं। 7 तिया कितना हो जाएगा, 21 का पावर 8 हो जाएगा, और 7 तिया 21 का पावर x हो जाएगा। यहाँ देखिए 21 21 मिल गया, तो x = 8, यहाँ से भी आप समझ लीजिए, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 3 3 मिल गया, 7 7 मिल गया, ऊपर में x = 8, या तो यहाँ से x = 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी किस तरह से प्रश्न लग रहा था कठिन, लेकिन देखिए इसको सिर्फ बनाने का तरीका आना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 2, और ये बैंक पीओ में 2006 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, अभी हमने आपको बताया यहाँ पर क्या करना है, इसके बेस को समान करने की कोशिश करना है। बेस क्या होता है, जैसे देखिए 2 का पावर 5 है, ये 2 क्या हो गया, ये जो है ये बेस कहलाता है। ठीक है, ये बेस कहलाता है, ये पावर कहलाता है, मतलब ये घात कहलाता है, ये आधार कहलाता है। तो बस हम लोग को बेस इसका पहले समान करना है। तो देखिए यहाँ पर 6 है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, 6 का पावर 1.2 रहने देते हैं। फिर इसको करते हैं 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 6 × 6 लिख सकते हैं, यहाँ पर वाट है, वाट का मतलब मान लेते हैं इसको एक्स, वाट की जगह क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह, तो यहाँ पर एक्स मान लिए। फिर ये 30 है, इसको लिखते हैं 6 और ये 5 30, यहाँ 2.4 है। फिर यहाँ पर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, ये हो गया 1.3, बराबर में देखिए यहाँ पर है 30 का पावर, इसको भी लिख सकते हैं 6 × 5 = 30 का पावर कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर यह प्रश्न 2 है, यह बैंक पीओ 2006 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए जब भी हम लोग इस तरह का प्रश्न देखते हैं तो क्या करते हैं, उसका बेस को समान करने की कोशिश करते हैं। बेस क्या होता है, जैसे देखिए 2 का पावर 5 है, ये 2 कहलाता है हम लोग का बेस, क्या कहलाता है, बेस का मतलब होता है आधार। ठीक है, ये आधार कहलाता है, ऊपर वाला क्या कहलाता है, पावर,
पावर का मतलब होता है घात होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करने की कोशिश करेंगे, इसका जो आधार है बेस है उसको सेम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 6 का पावर कितना हो गया, 1.2। यहाँ पर लिख सकते हैं 36 को 6 × 6, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लेते हैं। फिर 30 को लिख सकते हैं 6 × 5 = 30, ये 2.4 हो गया। 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, ये पावर 1.3। 30 को लिख सकते हैं 6 × 5 = 30, ये पावर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब ये एक्स है सारा को मिलेगा, ये भी 6 को, ये भी 6 को मिलेगा, 6 का पावर 1.2, 6 का पावर एक्स इंटू 6 का पावर एक्स। फिर देखिए ए मिलेगा इसको 6 का पावर 2.4, फिर मिलेगा 5 का पावर 2.4, ठीक है। फिर यहाँ पर मिलेगा 5 का पावर 1.3, फिर मिलेगा 5 का पावर 1.3, ये पावर जो रहता है दोनों को मिलेगा। और यहाँ पर भी ये 6 का पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 का पावर 5 हो जाएगा, सारा को अलग अलग पावर मिल गया। अब इसमें से जितना 6 है उसमें से एक ही 6 को लिखेंगे, ठीक है, जितना 5 है उसमें से एक ही 5 आधार लेंगे, उस पर पावर है उसको लिखते जाएंगे। तो यहाँ देखिए कितना है, 1.2 प्लस यहाँ पर कितना है एक्स, प्लस यहाँ पर कितना है एक्स, प्लस यहाँ पर कितना है 2.4 इंटू, देखिए 5 में कितना है, यहाँ 2.4 है, और प्लस में कितना है 1.3, फिर कितना है 1.3। थोड़ा इसको विस्तार से बना दे रहे हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। जब इसको जोड़ देंगे एक्स एक्स 2x हो गया, और यहाँ पर देखिए ये 24 और ये 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 2.4 तक कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, प्लस ये 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 का पावर कितना है, 13 × 3 = 26, और ये 26 और ये 24 कितना हो जाएगा, देखिए 26 और ये 24 जोड़ेंगे, ये 5.0 आ जाएगा, बराबर 6 का पावर 5 और 5 का पावर 5। देखिए दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता, 5 का पावर 5 इधर भी, 5 का पावर 5 इधर भी कट गया। अब देखिए बेस इसका सेम है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो इसके पावर को बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3.6 + 2x बराबर कितना आ गया, 5। तो 2x बराबर हो जाएगा 5 − 3.6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ घटा दीजिए 5.0, 3.6, 10 में 6 गया 4, यहाँ पर बचा हम लोग का 4 में 3 गया 1, ये 1.4 आ गया 2x बराबर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसका आधा 0.7 आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर ये इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न ये 3, ये भी बैंक PO 2009 में पूछा गया प्रश्न है। इसको एक इसका देखिए, इसको अगर बनाएंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 भिन्न दिया हुआ है, मैं से बोलता है सभी भिन्नों को अवरोही क्रम में ले। अवरोही का मतलब होता है देखिए घटते क्रम में, क्या अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, ठीक है, घटते क्रम। जैसे अगर 1 2 3 4 ये जो है ये बढ़ते क्रम होता है, तो घटते क्रम इसका क्या होगा, सबसे पहले बड़ा होगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये घट रहा है, ये घटते क्रम को बोलते हैं अवरोही बोलते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर अंग्रेजी में बोलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले, तो सबसे पहले इस तरह का जो क्रॉस वाला मेथड होता है उससे थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, इसको सीधा भागा दे देंगे। अगर यहाँ 3 है देखिए दशमलव कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा, 3.5 को अगर भागा देंगे इसके सामने कितना लिख देते हैं, ये 0.6 आ जाएगा, क्योंकि देखिए सिंपली आप भागा देंगे ऐसे करके 5 से देंगे 3 को, तो देखिए दशमलव ये 5 × 36 आएगा, ये तो सिंपल है, ठीक है। फिर दूसरा को भागा देंगे इसको 1/8 को देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 1.81 आ जाएगा, बचेगा 2, 8 × 2 = 16, 4 × 8 = 40, 125 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर इसको भागा देंगे 11 से भागा देंगे, तो यहाँ पर ये तो दशमलव लेगा ही लेगा, फिर उसके बाद फिर चला जाएगा यहाँ पर, देखिए आ जाएगा 80 हो जाएगा, अगर 77 ये 7 हो गया, 79 से 3 बचेगा, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 अंक तक अभी लेते हैं। फिर उसके बाद इसको अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 को डिवाइड करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 9 × 36 फिर आएगा, ये तो रिपीट होते रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जब लेते हैं देखिए 2/7, 2/7 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये तो दशमलव आएगा यहाँ पर, फिर मेरा आ जाएगा यहाँ पर 7 × 2 = 14 आ जाएगा, फिर बचेगा 6, फिर 87 यहाँ पर 56 हो जाएगा, 2 ही अंक तक लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको 7 से करेंगे तो ये दशमलव आएगा, वो 50 हो जाएगा, तो कितना बार में चला जाएगा, 37 49 चला जाएगा,
फिर 0 आएगा, 1 आएगा, दो अंक संख्या तक लेते हैं, उसके बाद इसको जब डिवाइड करते हैं यहाँ 50 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा देखिए, 0 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं उसके लिए, इसके लिए लिख सकते हैं, यहाँ सामने इसके लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग को आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ 50 आ जाएगा, 12 छक्का 48, 4 आ गया बचेगा 2, फिर एक बार में ही जाएगा ये, मतलब देखिए सबको भागा देने पर इतना आया। अब आपको पता होगा कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो देखिए सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, 44, ये 71, ये 72, ठीक है, तो ये तो 72 होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा ये 72 होगा, 0.72 का मतलब 7 टू दशमलव के बाद इस तरह से एक एक अंक करके पढ़ा जाता है 7 टू, तो देखिए ये किससे आया था हम लोग का, 8/11 से सबसे बड़ा ये है। इसके बाद कौन होगा, इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद 71 है यहाँ पर, 71, 71 कौन दिया है, तो देखिए 71 ये दिया 5/7, तो ये 5/7 हो जाएगा। उसके बाद कौन है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखना, इसके बाद देखिए बड़ा कौन है, 0.6 है, यहाँ पर 4 ही है, तो पहला संख्या से पहले तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 0.6 है और 0.44 है, मतलब ये पहले वाला बड़ा है, ठीक है, तो ये 3/5 है। तो हमको यहाँ पूछा गया है कि सभी भिन्नों को अवरोही क्रम में ले तो तीसरी भिन्न क्या है, तो आगे हमको निकालना जरूरत नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड मेरा क्या हो, ये 3/5 हो जाएगा, आगे जो भी आएगा उससे हमको मतलब नहीं है, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर देखिए ऑप्शन 3/5 नहीं, मतलब नन ऑफ दीज होगा। देखिए इस तरह से ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं बैंकिंग में, कुछ नहीं बस थोड़ा सा आपको डिवाइड करने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर आप डिवाइड करने का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी बना लेंगे, एक क्रॉस वाला विधि होता है उससे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमको तीसरा चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी तीसरी इस तरह ही पूछा जाता है, तो तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं सिर्फ डिवाइड दे करके। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंक पीओ 2008 में इसको पूछा गया है, देखिए बोलता है सभी भिन्नों को आरोही क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, बढ़ते क्रम में, मतलब जैसे 1 2 3 4, देखिए बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, ये बढ़ रहा है, ये हो गया आरोही क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा जाना कहलाता है, ठीक है, आरोही क्रम। अब इसको सबसे पहले डिवाइड करके देख लेना होगा कि सबसे पहले यहाँ चौथा है, 4 को तो निकालना पड़ेगा हम लोग को, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ दशमलव देंगे 0 पॉइंट, तो वहाँ 0 हो जाएगा, 5 छक 20 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। दूसरा देखिए 3/8 को जब डिवाइड लगाएंगे तो 0, वहाँ यहाँ अगर 0 बच जाएगा दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0, तो ये 30 हो जाएगा, तो 8 3 24, 24 हो जाएगा, 6 बचेगा, फिर 8 7 56 जाएगा, दो अंक तक लेते हैं, फिर यहाँ जब 0.10 देंगे ये 40 हो जाएगा, 9 से लगाएंगे, 9 6 36, 4 फिर 4 रिपीट कर जाएगा। यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर ये 0 तो लगाना ही लगाना है दशमलव के पहले, यहाँ 0 हो जाएगा, तो देखिए कितना 13 से भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33 39 हो जाएगा, फिर 40 11 बचेगा, और यहाँ पर ये 3/8 74 से हो जाएगा, ठीक है, फिर देखिए ये लास्ट है, यहाँ पर ये 0 होगा दशमलव, यहाँ देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 11 से लगाएंगे 11 5 55 चला जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 5 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, मतलब ये 4 बार में फिर जाएगा, ठीक है। अब लेंगे, अब देखिए बोल रहा है आरोही क्रम में, सब तो आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा लिखना पड़ेगा, सबसे छोटा यहाँ पर कौन है, देखिए ये 0 3 7 है, ये 3 8 है, तो छोटा तो यही हो जाएगा, ये 0 3 7 ये कहाँ से आया था, देखिए तो ये आया था 3 8 से आया था, तो 3 8 को लिखेंगे, ये सबसे छोटा है। उसके बाद देखिए 0.38 आया, ये कहाँ से आया है, 5/13 से आया है, इसके बाद हो जाएगा 5/13 हो जाएगा, ये 5/13, इसके बाद बड़ा होगा इससे, उसके बाद 5/13 के बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए 0.4 किस में आया, 2/5 में आया, ये 2/5 ले लेंगे इसको, उसके बाद फिर देखिए कौन होगा, फिर 2/5 के बाद फिर बड़ा कौन है यहाँ पर, ये 0.44 है, ठीक है, 0.44 है यहाँ पर, तो ये लिख सकते हैं, ये कहाँ से आया, देखिए 4/9 से आया है, ठीक है। अब हमको 4 ही तो लिखना था, बोला चौथा भिन्न या चौथी भिन्न कौन सी होगी, तो 1 2 3 4, चौथा में क्या, 4/9, देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो चालाकी से आपको डिवाइड करके और देखना है कि चौथा या तीसरा पूछ रहा है या दूसरा पूछ रहा है, इसी तरह से पूछा जाता है ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा, तो दूसरा तीसरा चौथा जो भी रहेगा क्रम में लिख करके उसका आंसर दे देना है। देखिए ऊपर यहाँ बोल रहा है ऊपर से चौथे भिन्न, हाँ नेक्स्ट प्रश्न में, ये बैंक पीओ 2007 में पूछा गया था, ऊपर से का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 है, तो ऊपर से मतलब देखिए सबसे लास्ट से, हाँ लास्ट से 1 2 3, चौथा भिन्न क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा, यही होता है ऊपर से, मतलब जो सबसे बड़ा है
देखिए सबसे बड़ा से लेंगे ऊपर से हम का मतलब यही होता है, ठीक है, तो बड़ा से ये छोटा की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या करते हैं इसको बनाने के लिए, आरोही क्रम में ही इसको निकालते हैं, उसके बाद इस तरह से ले लेंगे, इधर से उल्टा साइड से ले लेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले डिवाइड लगाएंगे, इसके सामने क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर एक जीरो अगर बैठा देंगे तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, ठीक है, और 9 से भागा लगाएंगे तो कितने बार में चला जाएगा, देखिए 9 8 72, फिर बचेगा 2, फिर चला जाएगा ये, फिर रिपीट हो जाएगा, ठीक है, ये बार बार रिपीट होते जाएगा, ठीक है, 8 बचेगा यहाँ पर, ये बार बार रिपीट होते जाएगा। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर जीरो लगा देंगे तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, और यहाँ पर 12 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो देखिए कितना बार में चला जाएगा, तो यहाँ ये चला जाएगा 72 96, बसते 84 चला जाएगा, ये 84 ना बचेगा, फिर 84 96 बचेगा यहाँ पर, फिर जीरो हो जाएगा, मतलब 12 5 60 हो जाएगा, 0.75 आ गया, ये 0.10 आ गया, इसको यहाँ एक जीरो हो जाएगा, तो यहाँ एक जीरो कर देंगे तो यहाँ दशमलव लगाएंगे 8 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 88 64 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर बचेगा 64 और 6 70 6 बचेगा यहाँ पर, फिर लगाएंगे 8 से, जब लगाएंगे तो ये 8 7 यहाँ पर हो जाएगा 56, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए तीसरा और में इसको यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ दशमलव, फिर 6 से भागा लगा दीजिए, तो 6 से जाएगा तो कितना जाएगा, 6 से जाएगा, 6 8 48 जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पर 2, फिर 6 3 18 बचेगा, ठीक है, फिर यहाँ से 20 से जब यहाँ एक जीरो लगा देंगे तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, और फिर 20 से यहाँ पर ये इसको भागा लगाएंगे 8 बार में चला जाएगा, ठीक है, 20 8 160, और यहाँ पर बचेगा 10, फिर 20 5 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा देखिए यहाँ पर ये 7 5, इससे छोटा और कोई नहीं है, 7 5 कहाँ से आया है, 9 बटा 12 से आया है, यहाँ पर लिख देंगे 9 बटा 12, इसके बाद बड़ा कौन होगा, तो देखिए इसके बाद जो बड़ा हो जाएगा ये 8 7 हो जाएगा, ये कहाँ से आया है, 5 बटे 6 से आया है, ठीक है, इसको लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये साइन उल्टा दे रहे हैं ना, साइन ये हो जाएगा, ये साइन, इसके बाद 5 बटे 6 के बाद बड़ा कौन होगा, तो देखिए 5 बटे 6 के बाद जो बड़ा होगा वो मेरा यहाँ पर ये 85 और 0.85 हो जाएगा, मतलब ये कहाँ से आया है, 17 बटे 20 से आया है, फिर इससे बड़ा कौन होगा, इसके बाद चला ये कहाँ पर, ये यहाँ पर चलाएंगे, तो देखिए यहाँ पर लेकिन इससे भी और है क्या, 87, यहाँ पर देखिए ये 87 है, तो 87 लेना पड़ेगा, 5 बटे कितना है यहाँ पर, ये 5 से ये आया था, ये 7 बटे 8 से आया था, तो 7 बटे 8 लेना पड़ेगा यहाँ, उसके बाद 87 के बाद ये 0.88 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये 0.88 लेंगे, ये कहाँ से आया, 8 बटे 9 से आया है। अब देखिए सबसे बड़ा ये है, तो ऊपर से चौथा 1 2 3 4 कौन होगा, 5 बटे 6 हो जाएगा, तो ऊपर से चौथा कौन होगा, 5 बटे 6, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, डिवाइड देना है ध्यानपूर्वक, आपका तुरंत ऑप्शन बन जाएगा ये जो रहेगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोल रहा है अधि भिन्न इतना को आरोही क्रम में लेते चौथे स्थान पर कौन सी होगी, ये भी बैंक पीओ 2008 में पूछा गया था। तो सिंपल देखिए यहाँ पर एक जीरो जीरो लिख करके डिवाइड कर देंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, यहाँ पर जीरो जीरो देते हैं इसके बदले, यहाँ पर कितना 14 से इसको काटिए, 14 44 42 आ जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा हम लोग के पास 42, ये 8 बचेगा, और ये 80 हो जाएगा, फिर 14 5 ये 70, इतना रहने दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 दशमलव कितना हो जाएगा, देखिए 11 5 55 आ जाएगा, 11 5 55, फिर 5 बचेगा, और यहाँ पर 5 बचेगा मतलब 50 हो जाएगा, फिर 11 से लगाएंगे तो 11 6 6 44 ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक जीरो दे दीजिए तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, फिर लगाएंगे इसको तो यहाँ से हो जाएगा 9 से, जब इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 63 9 7 63, फिर 7 बचेगा, फिर होगा ये 7, ये रिपीट होते जाएगा, फिर यहाँ जीरो लगा देंगे तो कितना हो गया, देखिए यहाँ दशमलव लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, फिर ये देखिए 13 से इसको लगाएंगे तो कितना, 13 6 78 होता है, यहाँ पर 2 बच जाएगा, ये 20 बच जाएगा, यहाँ फिर एक बार में ले लेंगे, अभी 9 बटे 10 बच गया, यहाँ एक जीरो लगा दीजिए तो कितना हो गया, ये 90 हो गया, 9 बार में चला गया यहाँ पर, 0.9 बार में ये फाइनली चला गया। अब यहाँ बोल रहा है आरोही क्रम में, तो सबसे पहले छोटा लिखना है, सबसे छोटा देखिए यहाँ पर कौन होगा, ये सबसे छोटा देखिए 0.35 है, तो ये कहाँ से आया है, देखिए 5 बटा 14 से आया, ये सबसे छोटा है, इसके बाद कौन बड़ा होगा, तो देखिए यहाँ पर इसके बाद जो बड़ा है 5 4, ये कहाँ से आया है, 6 बटे 11 से आया है, तो 6 बटे 11 लिखिए, इसके बाद कौन बड़ा है, तो 54 के बाद देखिए इसको इस तरह पढ़ा जाता है 5 4, लेकिन डायरेक्ट पढ़िए आप यहाँ पर,
हाइपर चौवन। तो इसके बाद क्या होगा, चौवन के बाद देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर ये चौवन है, ये देखिए 61 77 9 है, ठीक है। तो ये जो मेरा आ रहा है यहाँ से आ रहा है, देखिए 0 पॉइंट ये हो जाएगा 61 ही होगा, तो हो जाएगा ये 61 कहाँ से आया, 8/13 से आया है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए यहाँ से कौन कौन बचा है, ए बचा है और ये ए बचा है, ठीक है। उसके बाद तो यही होगा, ये कहाँ से आया, देखिए 7/9 से आया है, और फाइनली कितना होगा 0.9, ये कहाँ से आया, 9/10 से आया है। अब हम लोग को पूछ रहा था चौथी भिन्न कौन सा है इसमें से, चौथा भिन्न, तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये फोर्थ, चौथा भिन्न कौन है, 7/9 है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 7/9, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अधि भिन्नो ये 4/9, 2/7, 3/8, 6/13, 5/11 को अवरोही क्रम में ले तो दूसरी भिन्न क्या होगी, ये आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं होमवर्क, इसको बना लीजिएगा, सेम टाइप का प्रश्न है, ठीक है। इसको अवरोही क्रम में लिखना है, आप लोगों को बताएं अवरोही क्रम क्या होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ भी बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है, आरोही क्रम का मतलब होता है आरोही, यहाँ मतलब बढ़ते क्रम में है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से ये बढ़ते क्रम में है, अवरोही, अवरोही मतलब 4 3 2 1, इसी को यदि लिखे तो, ठीक है। तो इसमें से भी आप कॉमेंट करके बताइएगा, ये प्रॉब्लम 7 प्रॉब्लम 8।